तो भाई कल मैं बैठा था, कल आई वॉज जस्ट सिटिंग भाई, कल आई वॉज जस्ट सिटिंग बाई माई सेल्फ, ठीक है, एंड आई वॉज लाइक कि भाई नो बडी थिंक्स आई एम बांग्लादेशी, राइट। और फिर मैं देखता हूँ ये एक दिन पहले ये वीडियो आई है यूट्यूब पर, जैश इज बांग्लादेशी इमिग्रेंट विथ प्रूफ। पहले ही मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, दिस इज जस्ट एन अटैक ऑन माई कैरेक्टर, माई इंटेग्रिटी एंड जस्ट एवरीथिंग आई रिप्रेजेंट। दिस इज एन अटैक अगेंस्ट मी। इट्स बिकॉज आई एम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूथ फ्रॉम दिस कंट्री। मैं तुम्हें बता रहा हूं दोस्तों, आई एम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन फ्रॉम दिस कंट्री राइट नाउ इंडिया। इज दैट दे वांट टू साइलेंस मी, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरी आवाज अगर ये देश सुनने लगे तो विल बी सो अहेड ऑफ देम। तो नाउ देर रिलीजिंग दिस फॉरेन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मी, देर रिलीजिंग अ फॉरेन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मी, जहां पे मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहे हैं भर भर के, मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहे हैं। इट्स बिकॉज दे वांट माय ओन पीपल अगेंस्ट मी। You know what I mean? You know what I mean, bro? I'll play this, bro. I'll play this. This is a propaganda, bro. This is pro. मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, this is propaganda. None of this is true. None of this is true. Okay? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो साफ साफ प्रूव करती है कि जयक्स एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। लिंग्विस्टिक एनालिसिस। बहुत से लोग कहते हैं कि जयक्ष के उच्चारण और व्याकरण में कुछ समानताएं हैं जो बांग्ला। ये वाला वीडियो मैंने भी देखा है, लेजिट प्रूफ लग रहा था। नो ब्रो, बहुत सारे लोग कौन कहते हैं, कौन से बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ऐसा कि मेरे उच्चारण और यू नो और फक ब्रो आई एम होल्ड अप हैं कि जयक्ष के उच्चारण रविंद्र वोटेक्स ब्रो रैंडर वोटेक्स थैंक यू ब्रो और व्याकरण में कुछ समानताएं हैं। उच्चारण और व्याकरण में कुछ समानताएं हैं बांग्लादेश? हाउ यू थिंक सो? जो बांग्लादेशी बोलियों के साथ निकटता से मेल खाती हैं। आई गेट इट कि इट साउंड्स लाइक आई एम सेइंग समथिंग बांग्लादेशी, बट आई एम जस्ट इट्स जस्ट स्ले 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 इट्स नॉट बांग्लादेशी ब्रो, इट्स स्ले स्ले यू नो लाइक आई एम ट्राइंग टू बी कार्टी। It's not nothing to do with. I get it. I guess समझ सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि this is something to do with Bangladesh, but I really think I'm Kati. Cryptocurrency connections. What cryptocurrency connections, bro? तुम लोग मान रहे हो ये बात? पेचीदा दावा बताता है कि जयक्ष के YouTube चैनल को ग्रो करवाने में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था। You think so? तुम्हें लगता है मेरा चैनल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की वजह से हुआ है ग्रो? तुम्हें लगता है मेरा चैनल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की वजह से ग्रो हुआ है? You think so? Really you think so? Okay. जयक्स का चैनल ग्रो एक नेटवर्क द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेन देन और इलीगल स्टॉक परचेसेस का उपयोग किया था। तुम लोगों को लगता है इस समय कर सकता हूं? व्हाटएवर ही सेड के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेन देन और इलीगल स्टॉक परचेसेस का उपयोग। तुम्हें लगता है मैंने क्रिप्टोकरेंसी लेन देन और इलीगल स्टॉक परचेस करी है? तो मैंने तुम लोगों को, मैंने कब बोला है मैंने ऐसा कुछ किया है? मैंने कभी ऐसा बोला है कि मैंने किया है कुछ ऐसा? क्या मैंने ऐसा कभी बोला है कि मैंने ऐसा कुछ किया है? यस किया था तूने, मैंने देखा था। हाँ भाई फ्रॉड तो तू कर सकता है। व्हाट बताएगा थोड़ी? यू सेड इट? ऐसे कैसे बोल रहा है? मेरे साथ ही बॉर्डर क्रॉस किया था तूने, व्हाट द फक भाई? वीडियो तो लेजिट लग रही है। यू गाइस डोंट बिलीव दिस राइट? तुम लोग ये मान नहीं रहे हो। उपयोग किया था बैकग्राउंड इरेजर। जयक्स अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने की बहुत कोशिश करी है, जैसे कि डिलीशन ऑफ अर्ली वीडियोस, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और ऐसी कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट्स जिससे ये रिवील हो सकता था कि वो एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। ओके नाउ आई विल टेल यू समथिंग ब्रो, देयर इज सम ट्रुथ टू इट, ठीक है? मैंने अपने प्रोफाइल्स पुराने इरेज करे हैं, बट इट इज नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू हाइड दैट आई एम अ बांग्लादेशी इमिग्रेंट भाई। इट्स बिकॉज जब मैं छोटा था तो मैं रेसिस्ट नहीं था,
लेकिन मुझे कुछ शब्दों का मतलब नहीं पता था, लेकिन दोस्तों मैंने वो पोस्ट डिलीट इसलिए किया क्योंकि मैं छोटा था, आई वॉज नॉट रेसिस्ट। मुझे बस कुछ शब्दों के मतलब नहीं पता थे, मुझे नहीं पता था किस शब्द को कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। अरे एक दिन मैं नींद से उठा तो मुझे नोटिफिकेशन आई कि मेरे 5 साल पुराना फेसबुक पोस्ट है कोई। मैं तब था 20 साल का, मुझे 5 साल पुराने फेसबुक पोस्ट का नोटिफिकेशन आया। मैं जाके खोल के देखता हूं, मैंने 15 साल की उम्र में सुबह के 5 बजे फेसबुक पर पोस्ट करा है, गुड मॉर्निंग एंड वर्ड्स विद एन ईआर, एंड आई एम नॉट रेसिस्ट, बट आई थॉट दैट वाज अ नाइस थिंग टू से। और मैंने इसलिए अपनी सारी की सारी अकाउंट डिलीट करी है। इट हैज नथिंग टू डू विद मी बीइंग अ बांग्लादेशी ब्रो, नथिंग टू डू विद मी बीइंग अ बांग्लादेशी ब्रो। सस्पिशियस ऑनलाइन प्रेजेंस। एक सफल यूट्यूबर होने के बावजूद उनके बारे में उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी की आश्चर्यजनक कमी है। इससे उसकी असली पहचान और मूल के बारे में संदेह पैदा और जनाब अपने सब्सक्राइबर्स को कन्वर्ट कब, व्हाट द फक होता है। इससे उसकी असली जानकारी की आश्चर्यजनक कमी है। इससे उसकी असली पहचान और मूल के बारे में संदेह पैदा होता है। भाई मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर लगता हूं तुम लोगों को? मतलब देखो एक सेकंड, एक बात सच में बताता हूं, ठीक है? जब मैं ये वीडियो देख रहा हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं वापस देखूं, उपलब्ध एक सफल यूट्यूबर होने के, यहां पे मैं ब्लश करता हूं थोड़ा सा, मतलब लाइक नो बिग डील, लेकिन इसने ऐसे बोला ना, एक सफल यूट्यूबर होने, मी मैं सफल हूं क्या दोस्तों? अगर मैं बांग्लादेशी हो सकता हूं तो मैं सफल भी हो सकता हूं इस वीडियो के अकॉर्डिंग? नहीं बहन के लोड़ो, अब तुम नो लिख रहे हो भाई। तुम लोग यहाँ पे हर एक बुरी चीज के बारे में हाँ लिखने के लिए रेडी थे भाई, हर बुरी चीज के बारे में तुम हाँ लिखने के लिए क्या रेडी थे? अब तुम बावजूद उनके बारे में उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी की आश्चर्यजनक कमी है। इससे उसकी असली पहचान और मूल के बारे में संदेह पैदा होता है। जयक्स पर्पसफुल्ली हाइड्स हिज पास्ट टू प्रिवेंट हिज ट्रू बैकग्राउंड फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ एंड रिसोर्सेस। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ एक नियमित यूट्यूबर जयक्स के पास बहुत पैसा कैसे है। उन्हें लगता है कि उन्हें गुप्त, ये बात तो सच है भाई, ये बात तो सच है दोस्तों, ये बात तो सच है दोस्तों। लाइक नो कैप, लाइक नो कैप, आई एम टू अप ब्रो, लाइक नो कैप, आई एम टू अप, नो कैप ब्रो, लाइक ये बात तो कितने बहन चो दिया। एनीवेज ब्रो, आई एम टू अप, आई एम टू अप ब्रो, आई एम टू अप, आई एम टू अप ब्रो। चोर चोर, तुम्हें लगता है मैं चोरी करके लाया हूं? फंडिंग आ रही है बांग्लादेश से नोट छापने की मशीन ब्रो। इट्स जस्ट व्हाट यू गेट आफ्टर यू ग्राइंड ब्रो, यू ऑल हेटिंग ऑन मी ब्रो, व्हाट फॉर ब्रो? आप मुझ पे हेट क्यों कर रहे हो? स्रोतों से मदद मिल रही होगी जो बांग्लादेश के समुदायों या समूहों से संबंधित हो सकते हैं। तो वेट, होल्ड अप, दोस्तों होल्ड अप, इन होल्ड अप, ये क्या समुदाय है कि उन्हें गुप्त स्रोतों से मदद मिल रही होगी जो बांग्लादेश के समुदायों या समूहों से संबंधित हो सकते हैं। भाई ये कैसे, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ मनी लॉन्डरिंग ब्रो। ये बंदा मुझे 200 रुपए देके बोल रहा है बांग्लादेश पहुंचा दे 20 करोड़, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ मनी बांग्लादेश लॉन्डरिंग। के समुदायों या समूहों से संबंधित हो सकते हैं। ही गेव मी 200, इज आस्किंग मी टू ट्रांसफर 220 करोड़ ब्रो। ये नहीं है, ये रियल, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या? नो नॉट ब्रोबामा, इज नॉट विद। तो दोस्तों इन सब सबूत से ये प्रूव होता है कि जयाक्ष एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जो कि बांग्लादेशी लोगों की मदद से अपना यूट्यूब, बांग्लादेश में अपना बढ़िया धंधा चल रहा है स्मगलिंग का। ही इज ऑल्सो, ही गॉट कॉट इन द, ये भी फंस गया केस में, ये भी रौनक तक फंस गया केस में ब्रो, एंड ऑल्सो अनुष्का, ये दोनों भी फंस गए। They're facing the same allegations as me. Also, Pravama, मैं कमेंट देखना चाहता हूँ। मतलब ये देख के कोई माना तो नहीं होगा,
आई डोंट बिलीव कि ये देख के कोई माना होगा. आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई हैव सीन जयेश अ कपल ऑफ टाइम्स. ही वाज हैंगिंग आउट विद 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स एंड देन आई अप्रोच्ड हिम एंड ही सेड अबे भाग यहां से एंड स्टार्टेड रोलिंग अ जॉइंट. व्हाट द फक. I am his friend from Bangladesh and his real name is Jayesh Sheikh. Jayesh Sheikh. He was a very meritorious student in our class, but in India he shows himself dumb in order to remain innocent. Even he was our class topper in 9th class. Assalamu alaikum Jayesh bhai. Please come back to home. Your Ammi Appu is waiting for you. As a Bangladeshi immigrant, I can confirm he is one of us. You're all snitching on yourself, bro. Crazy, bro. मैं न्यूज़ बॉय देखने जा रहा हूँ भाई. I am not even gonna entertain this anymore, bro. मैं इस पे केस करने वाला हूँ. He's going to court, bro. He's going to court with me, bro. मैं इस पे लीगल एक्शन लेने वाला हूँ. ये बंदा जो भी है, I want to speak with him on a call. Wherever he is, I want to speak to him, bro. I want to speak to him on a call. I want to know what's going on. Court जाने के पैसे हैं. Yes. So I got it, bro. News boy. I got it. So ask my assistant, bro. Ek second rukna, bro. Where is he, bro? Hold up, bro. You're good, bro. Tumne sahi suggestion diya aaj mujhe. Utha le. Ye mera call nahi uthata, bro. He doesn't take it seriously. Hello? Huh? Aru? Huh? तूने वो वीडियो देखी है क्या ऑनलाइन की, जयश इज बांग्लादेशी इमिग्रेंट विद प्रूफ? नहीं. तूने नहीं देखी है? नहीं, क्यों? ऐसा मतलब इसे बना दिया क्या किसी ने तेरे ऊपर ये? हाँ हाँ हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? तू बता सकता है, पिछली बार तूने हेल्प करी थी मेरी, तू बता दे सबको फिर. यही जो है सच्चाई की तू है इमिग्रेंट. मतलब ब्रो फक दिस गाय, ब्रो फक दिस गाय, ब्रो नॉट इवन फनी, ब्रो नॉट इवन फकिंग फनी, ब्रो.